नमस्कार, शिक्षा विभाग न्यूज अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज। पेश है आज की स्पेशल न्यूज सिर्फ अन्वेषक न्यूज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। अब खबर विस्तार से। अप्रैल माह में 2 दिवस अवकाश रहेगा, परंतु 14 को शिक्षण कार्य स्थगित। अन्वेषक मानदेय मार्च माह का हुआ जारी, अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय 2000 मिलने की प्रबल संभावना। 15 मई तक हो नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी, नहीं तो होगा स्वतः नवीनीकरण। अन्वेषक मुख्यमंत्री की बेटी ने दिया शिक्षा सुधार के लिए ऐतिहासिक भाषण। अब खबर विस्तार से। ये समाचार कानपुर से वायरल हो रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अन्वेषकों के नवीनीकरण का आदेश जारी। आसान नहीं होगा अब अन्वेषकों को बाहर का रास्ता दिखाना। विभाग ने मई तक नहीं किया अन्वेषकों का नवीनीकरण तो स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। साथियों, विस्तार पूर्वक खबर यहाँ पर हम पढ़कर सुनाते हैं आपको। परिचय दिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में संविदा पर तैनात अंशकालिक अन्वेषकों का हर साल नवीनीकरण होता है। संविदा समाप्त होने के 1 माह पूर्व ही विभाग को इनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। ऐसा ना करने की स्थिति में अन्वेषकों का स्वतः नवीनीकरण मान लिया जाएगा। अब आसान नहीं है अन्वेषकों को बाहर का रास्ता दिखाना। अब अन्वेषकों को मनमाने तरीके से नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि शासन ने नियुक्ति के समय ही ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे अन्वेषक निश्चित होकर स्कूल में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। शासन ने अन्वेषकों का कार्यकाल 11 महीने तय करने के साथ ही ये भी साफ किया है कि उनकी सेवा अचानक समाप्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अन्वेषक पर गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप हैं तो वीएसए ऐसे अन्वेषक कर्मियों को सेवा में सुधार लाने के लिए लिखित सुधार व चेतावनी देंगे। इसके उपरांत भी यदि गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में सेवा समाप्ति की आवश्यकता होगी तो वीएसए को पुष्ट प्रमाणों के साथ डीएम से अनुमोदन लेना होगा। इसके बाद ही संविदा समाप्त का आदेश जारी हो सकता है। इतना ही नहीं, अन्वेषक को हटाने के लिए विभाग को 1 माह पहले उसे नोटिस भी देना होगा। नवीनीकरण की कार्रवाई संविदा समाप्ति के 1 महीने पहले ही शुरू करनी होगी, ताकि हर साल 1 जुलाई को उन्हें स्कूल में तैनाती दी जा सके। शासन ने अन्वेषकों का मानदेय जिला स्तर से सीधे उनके खातों में PFMS माध्यम से भेजने का प्रावधान कर दिया है। उपस्थिति, अनुपस्थिति व अवकाश के आधार पर नियमित शिक्षकों की तरह हर महीने मानदेय भुगतान व महिला अन्वेषक को नियमित शिक्षिकाओं की तरह मानदेय मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया है। समानदेय मातृत्व अवकाश देने का ये प्रावधान किया है। आप लोग ध्यान दें। अब साथियों, यहाँ पर मानदेय समाचार है। अंशकालिक अन्वेषक मानदेय मार्च माह 2022 की धनराशि प्रेषण के संबंध में 12 अप्रैल 2022 को ये धनराशि ईमेल द्वारा समस्त वैश्विक जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त हो चुका है और ये जल्द से जल्द मानदेय बैंकों में लगवा कर अन्वेषकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्च माह का मानदेय सिर्फ अभी जैसा कि पहले से आ रहा है 7000 रुपये ही आएगा और 7000 रुपये ही अभी भुगतान किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, थोड़ी खुशखबरी है और थोड़ा संशय भी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारा मानदेय चुनाव से पहले 2000 बढ़ाया था। अब उसकी मिलने की संभावना अप्रैल माह से नए बजट से होने की संभावना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ के वरिष्ठ संपादक श्री शिव कुमार मिश्रा जी भाजपा के बड़े लीडर से मिलते हुए और उनसे बातचीत करते हुए अन्वेषक अन्य संविदा कर्मियों के बारे में, उनकी अधिकारों के बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा शिव कुमार मिश्रा जी।
और इन्होंने ट्वीट किया है, आज अनुदेशक, ग्राम प्रहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एम्बुलेंस कर्मियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी से बातचीत हुई है, जल्द कुछ परिणाम आने की उम्मीद, चर्चा सार्थक। तो आप देख सकते हैं शिव कुमार मिश्रा जी ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने बातचीत की है राष्ट्रीय महासचिव जी से और कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। यहाँ पर एक समाचार है, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के महत्वपूर्ण प्रकरण की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यकाल कक्ष में दिनांक 2/3/2022 को अपराह्न 5 बजे संपन्न हुई बैठक का कार्य वृत्त, ये बैठक हुई थी उसके कार्य वृत्त है, वर्ष 2000 से 2018 तक के विवादित लंबित निस्तारित समस्त भर्तियों जो कि कोर्ट के अंतरिम आदेश से अधीन रहे हैं, उन समस्त भर्तियों के समस्त आवेदकों को NEP 2020 के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति देकर समस्त पुराने मुद्दों को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के आदेशानुसार सभी राज्यों में कार्रवाई आरंभ है, जिसके तहत UP बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की उच्च स्तरीय मीटिंग दिनांक 2/3/2022 और 5/4/2022 को संपन्न हुई। ये कार्यवृत्त है आदेश के लिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में समस्त लंबित विवादितों को मौका दिया जाए और उनकी जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। यहाँ विशिष्ट BTC 2004-2007-2008, प्रशिक्षु चयन 2011, 72,825, BTED 2011, BTC भर्ती 12,460, 15,000, 16,000 ETC, जूनियर विज्ञान शिक्षक भर्ती 29,834, शिक्षक भर्ती 68,500, शिक्षक भर्ती 69,000। ETC मुद्दों पर समीक्षा विचार विमर्श कर संबंधित विभाग अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। अब स्पेशल खबर सौजन्य से, ANI भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए दी गई मुख्यमंत्री की बेटी का वर्ल्ड क्लास स्पीच, कुछ माह पुराना है लेकिन देखिए ज़रूर, सुनिए ज़रूर क्या हमारे युवाओं के विचार हैं, क्या बदलाव किए जा सकते हैं बेसिक शिक्षा भारत के लिए। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये जरूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहा है और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करार मैंने लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए चाहे कुछ भी काम करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश के लिए रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, नौकरी करने की, पर उनसे एक चीज जरूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, वो यहाँ समाज सेवा करने आए, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए, देश को आगे ले जाने आए।
वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, मुझे अपना फर्ज निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को एक मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है हर घर में हर महिला जो 18 साल से ऊपर है एक हजार रुपए देगी। अब इस एक हजार से हम अपनी बुक्स खरीद सकते, कॉलेज जा सकते, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि छोटी सी मदद बहुत ज्यादा मायने रख जाती है।